मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरे भांजे बैठे हुए हैं जिसका नाम है चिंटू, और मैं चिंटू से मिलाऊंगा। चलिए चिंटू से अभी कुछ मैं सवाल पूछना चाहूंगा और वो बताएगा। चिंटू आप बताना कि हम लोग वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, उस पर सॉन्ग वगैरह कैसे डालते हैं, उसके बारे में बताना। गाना को खोजने और उसी गाने को डाल के ऐसे वीडियो बनाना है बस। राइट कि आप मोबाइल के सीधे कार से शुरू कर वीडियो बना लो। ठीक तैसे ठीक। तो हेलो गाइस, मैं हूँ चिंटू और ये है मेरे मामा। तो आज हम इनसे कुछ जरूरी सवाल करेंगे। तो बताइए, आप इन्हें दिन से आप स्कूल में बैठा रहे तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत दिनों से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों के साथ रहने में ही काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह उसकी सुंदर सी मुस्कान देखो तो दिन जो है बहुत अच्छा जाता है, और इतने साल पढ़ाने के अनुभव से बहुत सारी जानकारी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जैसे तो हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वो ज़्यादातर वो पढ़ाते ही जो है, क्योंकि उनकी इतनी भी छुट्टी आती है तो वो पढ़ाते ही रहते हैं। और जान लिया कि उन्होंने क्या कहा, तो आज मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वो इतना पढ़ाते रहते हैं तब भी से वो नहीं छटते हो, और वो इतनी गर्मी में भी स्कूल जाते, गर्मी की छुट्टी होने के बाद भी वो गर्मी तो रहेंगे ही ना, इसलिए वो इतनी गर्मी में भी स्कूल जाते रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका ऐसा है कि देखो, बड़े बच्चे को समर टाइम्स में के लोग गांव चले जाते हैं और के लोग जो है घर में रहते हैं, तो खाली समय वो लोग जो है टाइम पास करके गुजार देते हैं। तो मैं चाहता हूँ खाली समय भी उसका पढ़ाई होता रहे, और ताकि जुलाई और अगस्त के समय उसको ज़्यादा कठिनाई ना लगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, चलिए मैं मिलाता हूँ चिंटू से। चिंटू से बात करेंगे कि आज वो इतने ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा चिंटू से, उसके पापा आज आ रहे हैं कवर्धा से, तो इतने ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? चलिए चिंटू बताइए, आज इतने ज़्यादा खुश क्यों दिख रहे हो? आज आ रहे हैं कवर्धा जा रहे इसलिए। हाँ, ये कवर्धा जाऊँगा बोल रहा है चिंटू जो है, इसीलिए बहुत खुश दिख रहा है। तो कवर्धा में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम बहुत खुश हो रहे हो? कवर्धा मेरे लिए बहुत खुश है, जैसे कि पढ़ना बहुत। हाँ देखिए, बहुत अच्छा से जवाब दे रहा है चिंटू जो है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज़्यादा होशियार है, इसीलिए पढ़ना लिखने का कम होता जाऊँगा बोल रहा है। लेकिन मैं चिंटू से पूछना चाहता हूँ, अभी तो स्कूल खुला नहीं है, तो इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे? अभी मेरा जो अभी बुक जो कम्प्लीट नहीं हुआ उसे कम्प्लीट करके मेरे को स्कूल जाना है। हाँ, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया चिंटू ने। अभी चिंटू का बुक कम्प्लीट नहीं, उसको बुक को कम्प्लीट करेगा, उसके बाद फिर स्कूल जाएगा और फिर पढ़ाई जारी रखेगा। तो चिंटू से मैं पूछना चाहूंगा, चिंटू तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? दिशा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब है। दिशा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इंग्लिश मीडियम में चिंटू जो पढ़ाई करता है। तो चिंटू आप बताओगे कि कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास सेकंड। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, क्लास सेकंड में चिंटू जो है पढ़ाई करता है। और हम जो है चिंटू की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से परीक्षा दिलाए और अच्छे नंबर से पास हो। और इस साल का रिजल्ट आपको कितना अच्छा से आया चिंटू, चलो दर्शकों को बताइए। मेरा भी रिजल्ट अभी मिला नहीं था, अभी जल्दी मिल जाएगा, जैसे मैं कमाते जाऊंगा वैसे ही मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू, अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे पहुंचे, और भी दोबारा आप हमारे चैनल पे आइएगा, तो इसी तरह और भी हम नए नए वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।